कुछ ही दिन बचे हैं, अभी हम फाइनल हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन फिर उसके बाद बीसीसीआई ने कहा कि आपको खेलना है 2020 का मैच। अब यहां से कौन से खिलाड़ी बेहतरीन खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि तकदीर तो देखे सूर्य कुमार यादव की, इससे पहले जो क्रिकेट खेला विश्व कप में सभी ने देखा, उनको कप्तान बना दिया गया है और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। पूरे पांच जो मैच है उनमें उनको कप्तानी दी गई है, दो मैच के लिए श्रेयस अय्यर उपलब्ध होंगे उप कप्तान, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को उप कप्तानी दी गई है। किस तरीके से बीसीसीआई सोच रही है, 6 महीने के अंदर विश्व कप है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ टीम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि गिल भी आ जाएंगे, सुमन गिल को आप कभी भी बाहर नहीं करेंगे, यशस्वी जायसवाल भी अभी टीम में है, टीम क्या सोचती है, टीम किस तरीके से आगे बढ़ रही है 20 ओवर के क्रिकेट के लिए, क्योंकि यहां पर आप यही कहेंगे कि आपने युवाओं को मौका दिया है, बहुत सारे ऐसे स्टार खिलाड़ी थे जिनको आपने बाहर कर दिया है, लेकिन क्या इन खिलाड़ियों को लेकर आप आगे चलने वाले हैं, क्या फिर हार्दिक पांड्या अभी चोटिल है, आपने शिवम दुबे को रखा है, लेकिन शिवम अगर अच्छा करेंगे तो क्या वह विश्व कप में आपको दिखेंगे, स्पिनर भी आपकी टीम में है, लेकिन भारतीय टीम जिन खिलाड़ियों को भी मौका दे रही है, क्या यही खिलाड़ी टीम के अंदर रहेंगे या फिर बाहर रहेंगे, यह जवाब देना होगा टीम चयन समिति को। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का खेमा है, काफी मजबूत टीम उन्होंने उतारी है, भारतीय टीम जो इस समय आज का क्रिकेट खेलेगी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, आप यही कहेंगे कि उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई चयन समिति क्या सोचती है, कोच क्या सोचते हैं, शायद हो सकता है द्रविड़ का कार्यकाल अब यहां से खत्म हो जाएगा, या फिर बीसीसीआई आग्रह करेगी उनको आगे बढ़ाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अगर आपको मैं बता दूं, तो जिस तरीके से 15 सदस्य टीम का ऐलान हुआ है, वहां पर आपको देखें तो महेश कुमार टीम के अंदर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, अभी वो कैसा करेंगे, इसके साथ साथ आबिश खान पर बड़ी बातें हो रही हैं। आबिश खान को फिर एक बार टीम में लिया गया है, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं रहा है आबिश खान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, किस तरीके की वो क्रिकेट को खेलते हैं आगे हम देखेंगे, लेकिन साफ अभी दिख रहा है भारतीय टीम जिस दल के साथ गई है क्या वो क्रिकेट खेलेंगे। रिंकू सिंह को बड़ा मौका मिला है, लेकिन जहां पर हम देखें तो रिंकू सिंह और तिलक वर्मा में कांटे की टक्कर है, क्योंकि तिलक वर्मा को इससे पहले आपने 50 ओवर के क्रिकेट भी खिलाए, अगर वहां पर वो 50 कर देते तो विश्व कप भी वो खेल सकते थे, लेकिन रिंकू सिंह को जब जब मौका मिला है, रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी की, उसके बाद अब रिंकू सिंह और तिलक वर्मा दोनों लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी हैं, और यहां पर किस खिलाड़ी को आप बाहर रखते हैं, किस खिलाड़ी को अंदर रखेंगे, वो तो आज के मैच में साफ हो जाएगा। लेकिन टीम के लिए सबसे बड़ा अगर ट्रम्प कार्ड कहें तो रिंकू सिंह एक ऐसा चेहरा जिन्होंने कोलकाता के लिए भी शानदार बल्लेबाजी की, उधर देखे तो तिलक वर्मा ने मुंबई के लिए भी अच्छा क्रिकेट खेला, आईपीएल में मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बल्लेबाज थे। तो यहां पर कौन से गेंदबाज के साथ भारत आगे जाएगा तो देखें, यहाँ पे कुछ तेज गेंदबाज आपको मिलेंगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा आपको फिट बैठेंगे, महेश कुमार को क्या खिलाया जाएगा, या फिर हम आबिश खान को लेकर आएंगे, अब आगे जिस तरीके से सूर्य कुमार टीम को आगे पढ़ाएंगे, लीड करेंगे, देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यही है कि क्या 15 सदस्य टीम का जो चयन हुआ है, चयन बहुत सारे सवाल खड़े करता है, लेकिन टीम को अच्छा करना होगा, अभी दर्द भरा नहीं है विश्व कप की हार का, उसके बाद आज भारत खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला, विश्व कप है नजदीक, 20 ओवर के क्रिकेट का फॉर्मेट है, जहां पर फिर एक बार भारत के लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर हम 50 ओवर में चैंपियन नहीं बने तो 20 ओवर के क्रिकेट में चैंपियन बनेंगे जरूर। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।